इस वीडियो में शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं पार्ट थ्री। इसमें हम भी बहुत सारे शेयर्स खरीदेंगे, लाइव यहां पे खरीद के दिखाऊंगा। मार्केट यहां पे जस्ट एक मिनट में अभी स्टार्ट होने वाली है, एक मिनट के अभी मार्केट यहां पे स्टार्ट हो गई, 9:15 हो चुके हैं। और इसके साथ ही हम ये चीज़ सीखने वाले हैं कि जो शेयर है उसको हम कैसे खरीदेंगे। और साथ में एक चीज़ और आपको मजे देंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक शेयर खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे CMS Info शेयर खरीदना है, इसको मैंने सर्च किया, बाय के ऊपर क्लिक करूँगा। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने मान लीजिए क्वांटिटी यहाँ पे डाल दिया 100, यानी 50,000 के हम शेयर खरीदने वाले हैं। लॉन्ग टर्म मार्केट गया, स्वाइप टू बाय कर दी और यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया, यानी कि हमने 51,200 रुपये के शेयर खरीद लिए और जो मार्केट प्राइस जो था हमें मिला है 512 रुपये के ऊपर मिला है। तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं और यहाँ पे तकरीबन देखते देखते 50 से 100 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये इस तरीके से मार्केट में पैसा लगा सकते हो। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाऊंगा, CMS इन्फो अगर इसी स्टॉक की हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या था, हमने बाय के ऊपर क्लिक करा था और शेयर को खरीद लिया था। बाय के ऊपर क्लिक करना रहता है, बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली हमने मार्केट को सिलेक्ट करके स्वाइप टू बाय किया, वो हो गया। लेकिन अब इसको खरीदने के लिए आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपका बिल्कुल 10 मिनट का काम रहता है। और नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस तरीके से अकाउंट ओपन करना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको हेल्पिंग नंबर भी मिल जाएगा। तो आपका अकाउंट ओपन करने के लिए पूरी यहाँ पे हेल्प एंड गाइडेंस जो भी जरूरत पड़ेगी वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दूसरी यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि जैसे यही स्टॉक है CMS इन्फो, इसको क्लिक करके व्यू चार्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं तो व्यू चार्ट में जाने के बाद अगर आप ये चीज देखोगे तो यहां पे अभी जो कैंडल देख रहे हो इसमें क्या है कि आपको नॉइज बहुत ज़्यादा मिल रही है, कभी कोई कैंडल रेड बन रही है, कभी ग्रीन बन रही है ना। तो इस नॉइज को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ये जो कैंडल है इसके यहाँ पे हाई कैन एशी अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी नॉइज खत्म हो गई है। यानी कि जहाँ से मार्केट आपको क्लियर कट डायरेक्शन देती रहेगी तब तक क्या है कि आपको एक अच्छा यहाँ पे पोजिशन होल्ड करने की ज़रूरत है। लेट्स से यहाँ पे हमने CMS को 512 पे बाय किया, प्रॉफिट दिखा रहा था और अभी 509 पे आ गया, यानी कि तकरीबन आप मान करके चलो कि 300 का यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे सॉरी 80 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा, अभी फ्लक्चुएशन चल रही है इस मार्केट में देखता हूँ। तो अभी ये जो मैंने हाई कैन एशी लगाया है ये मुझे बता रहा है कि भाई अभी ग्रीन है, अभी बेचने की जरूरत नहीं है जब तक ये रेड ना आ जाए। हालांकि मैं इसको बेचने नहीं वाला, इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको लगाना कैसे है, सिंपल ये जो यहाँ पे आपको पहले ये दिखेगा ना जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लोगे उसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे चार्ट टाइप के नीचे आपको एग्रीगेटेड टाइप से हाई कैन एशी मिलेगी। ये हाई कैन एशी क्या होता है और ये कैंडल क्या होता है, नॉर्मली ये कैंडल वाला लगा रहता है, ये नहीं लगा रहता। तो ये लगाने से क्या होता है कि एक बेटर कैंडल हाई कैन एशी, और ये क्या करता है कि एवरेज निकाल करके आपको कैंडल की एवरेज निकाल करके बताता है और जो नॉइज होता है उसको खत्म कर देता है। यानी आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहते कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यहां से एक अच्छा खासा आपको ये चीज इंडिकेशन मिल जाता है कि अगर भाई आपको बेचना है या फिर आपको होल्ड करना है, सिंपल इज दैट। तो इसको आप लगा करके देख सकते हो। और देखिए सेम टाइम पे अगर मैं इसको कैंडल करता हूँ, अगर जैसे ही मैंने इसको कैंडल करा फिर से वो जो नॉइज थी इसमें आ गई कि कभी रेड बन रही कभी ग्रीन बन रही, लेकिन जैसे ही मैं उसको लगाऊंगा यहाँ पे क्या है कि एकदम स्मूथ कैंडल यहाँ पे हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो अभी रेड लाइन ये देख रहे हो ये क्या है कि हमारा मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड्स का, जिसको कि हमने अपनी सेकेंड वीडियो में सीखा था, उसको भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। और फर्स्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमें टाइम फ्रेम कौन सा रखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो ये 1 डे को हमने 1 डे पे रखना है, 15 मिनट्स पे रखना है या 5 मिनट्स पे रखना है। तो हमने उस वीडियो में बताया है कि अगर तो आप इसको होल्ड करने वाले हो देन आप इसको रख सकते हैं 1 डे के ऊपर, अगर आपको 1 सप्ताह, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, मतलब 3 महीने तक रखने वाले हो, मतलब इन मंथ्स रखने वाले तो 1 डे रखना, इन ईयर्स रखने वाले तो 1 वीक रखना, अगर इंट्रा डे कर रहे हो सेम डे खरीद के सेम डे बेचना है तो 15 मिनट रखना, अगर 1-2 घंटे, 3 घंटे तक वेट करोगे सेम डे में, और अगर आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट बुक करना है तो भाई 5 मिनट्स लेकर के चलना। और कुछ लोग तो 1 मिनट के कैंडल पे भी चलते हैं, वो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है कि 1-2 मिनट में मतलब छोटा छोटा सा प्रॉफिट है उसको बुक करते जाना है, जब थोड़ा सा मिला उसको बाय कर लिया, फिर सेल कर दिया, बाय कर लिया, सेल कर दिया, बाय कर लिया, सेल कर दिया, इस तरीके से करके स्कैल्पिंग होती है। तो वो इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो है जो हमारा पार्ट 1 है हमने उसमें उसको कवर किया है, पार्ट 2 में हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को कवर किया है, क्योंकि ये लाइन आपको बताएगी कि कब
खरीदना है, कब बाय करना। अगर मार्केट लाइन के ऊपर है तो भाई बने रहो, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक होगी तो नीचे चले आना। लेकिन इसके लिए कैंडल जो है हाई कैन ऐसी नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए जो सिंपल कैंडल है वो रखेंगे अगर हम रेड लाइन के ऊपर चलेंगे। और यहाँ पे देखोगे कि जहाँ जहाँ पे भी ये रेड लाइन ब्रेक हुई है मार्केट नीचे जाती हुई दिखेगी आपको, और जहाँ जहाँ से ग्रीन लाइन इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला है मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगी। तो इसको भी हमने उस वीडियो में कवर किया है, उसको भी आप ज़रूर से देखना। और बाकी की जो यहाँ पे चीज़ें हमने देख लिया कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना कितना आसान है, और जितना इसको आसान खरीदना है उतना आसान इसको बेचना भी है, तो कोई दिक्कत या झंझट वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या किसी और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय।